नमस्कार बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं रुद्रेश राघव एसजे डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश से। देश के समस्त युवा साथी जिन्होंने अभी इंडियन एयर फोर्स में फेज वन क्लियर करने के बाद जिन बच्चों का मेडिकल हुआ और बहुत अच्छे से बच्चों ने एग्जाम भी निकाला, इंडियन नेवी के सेकंड फेज का एग्जाम भी निकाला, इस समय बच्चों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा और लगभग कितने बच्चों को भी लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि इस समय पे जिन बच्चों का अभी इंडियन एयर फोर्स में हुआ है यानी जो रिटन क्लियर हुआ है, उनमें से काफी सारे बच्चे मेरे इस बेटे की तरह हैं। अपना ये बेटा है अलीगढ़ से, विष्णु, जो कि अलीगढ़ से है। इस मेरे बच्चे का जो है इंडियन एयर फोर्स में फेज वन क्लियर होने के बाद में ये बच्चा इंडियन एयर फोर्स के फेज टू की तैयारी कर रहा है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की और फिजिकल की तैयारी कर रहा है। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है इसके सामने, मैं बार बार इसको समझाता भी हूँ, ये दिन में मेरे से कई कई बार पूछता है, दो बार तीन बार सुबह को शाम को, कि सर आप YouTube पे भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं और आप यहाँ मुझे ऑफलाइन में भी कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं नेवी की जानकारी को लेकर के। तो उन सभी बातों पे मैं आपके साथ अभी चर्चा में रहूंगा। एक बार मैं बच्चे से भी जान लेता हूँ कि आपके कितने मार्क्स थे, क्या उम्मीद है इंडियन नेवी को लेकर के। बेटा पहले मुझे ये बता, कहाँ से हो आप, पहले अपने विषय में बताओ। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विष्णु कुमार है। हाँ। और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और मेरा नेवी में भी 50+ मार्क्स स्कोर है। और इसमें यूपी में 50+? यस सर। अच्छा, यूपी में 50+ है। और एयरफोर्स में भी मेरा हो गया है। और इसमें भी कितने हैं बेटा आपके? 46 पॉइंट में और प्लस में है। 46 पॉइंट कुछ है इसके। हाँ। एक्स ग्रुप में बेटा। यस सर, एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में 40 पॉइंट कुछ है, यानी कि आप 40 मान लीजिए, चलिए 40। अच्छा सॉरी, 46 है बच्चे के, तो आप खुद समझ सकते हो 22×44 मेरिट से दो गुने हैं। लेकिन आज भी इसको इंतजार है नेवी के लिए। बेटा इतना नेवी के लिए क्यों बेचैन है बेटा? सर मेरा, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि इंडियन नेवी में जाना और मार्कोस की तैयारी करना, मार्कोस में जाना। अरे अच्छा। तो ये मेरा ड्रीम है। सो इसलिए सर मैं उसकी भी प्रिपरेशन, वो मेरा ड्रीम है, एक अलग जुनून है उसके लिए सर। वाह बेटे, शाबाश, गुड बेटा, उसके लिए सर। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी थोड़ा है, बट उतना नहीं है जितना इंडियन नेवी के लिए है। अच्छा। जबकि जैसे आप, मैं डेली देखता हूँ बेटा तुम्हारा जो कन्वर्जेशन है, जो तुम्हारी फ्लुएंसी है इंग्लिश की, बहुत शानदार है। ग्रुप डिस्कशन में जबकि आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, नहीं फिजिकल में, लेकिन फिर भी या आप दिन में कई कई बार मेरे से पूछते हो। अच्छा, ये बात है मार्कोस की, आपको जो है मार्कोस में जाना है आपको, नेवी ज्वाइन करके। अच्छा चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा सभी बच्चों से, जो भी ऐसे अपने इस मेरे बेटे की तरह हैं, सभी बच्चे जिनका इंडियन एयरफोर्स में भी हो गया है और जो बच्चे इस समय पे नेवी का भी इंतजार कर रहे हैं, बेटा मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए इंडियन नेवी की तरफ से जो अपडेट आनी है वो 30 नवंबर को आएगी और वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपका वेबसाइट पे भी। हालांकि वेबसाइट पे क्लियर अब की बार मेंशन किया, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग बदलाव भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम आपको शॉर्टली यानी कि जल्द ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब बात यह है कि इसमें सेकंड जो हमारा ये आने वाला है फेज टू, यानी कि जिसमें अब हमारा रिजल्ट आएगा इंडियन नेवी का, इसको लेकर के आपको जो मन में ऐसा चल रहा है कि सर कितनी लड़कों को भी लिया जाएगा, तो बेटा जी आपको भी मालूम है अभी इंडियन नेवी दो PSL लानी थी। एक लानी थी 2023 की फर्स्ट में ही जो बची वैकेंसी थी, और एक लानी थी उसको, मतलब एक तो थी आपकी 2023 की सेकेंड और एक थी 2024 की एक, दो PSL आपकी आनी बरकरार थी ना बेटा। लेकिन अभी आपने देखा कि पहली को खत्म कर दिया, यानी कि जो लेने थे उनको ले लिए, वो ट्रेनिंग पर बच्चे यहां से चले गए चिल्का के लिए। अब जो भी बच्चे हैं, देखिए ये तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि कितने बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है लगभग 1500 से 1600 लड़कों के आसपास अभी तक इन्होंने लिया है, जो अपने बच्चे अभी ट्रेनिंग पे गए हैं। लेकिन जो भी बच्चे अभी इनको लेने हैं, 4000 वैकेंसी तो थी भाई, 1300 कुछ से बढ़ा करके 4000 कुछ प्लस कर दी थी। तो अभी अगर देखा जाए तो असली, बेटा आ जा इधर आ जा, तो बेटा अभी जो असली वैकेंसी है हमारी जो फिल होनी है,
ये बात श्योर एंड सर्टेन है कि आपका जो सेकंड ये मेरिट आने वाली है यानी कि 2024 की फर्स्ट बीएसएल, ये जो फर्स्ट आएगी 2024 के फर्स्ट इंटेक का, इसमें वैकेंसी तो खूब ली जाएंगी। तो आप जो भी बच्चे जहां भी हैं, आप अगर इंडियन एयरफोर्स का भी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं तो सबसे पहले आप इस समय पर अपने इंडियन एयरफोर्स के फेज टू पे फोकस करिए, क्योंकि नेवी की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी अप्रैल में है जिसमें कि आपको बहुत समय है। तो उससे बेहतर है अभी जो आपके पास में मौका है इंडियन एयरफोर्स का, मैं आपकी बात मान सकता हूं, आपका एक सपना है इंडियन नेवी को ज्वाइन करना, लेकिन बेटा आज की डेट में हमारे सामने एक समस्या और है, मतलब कंपटीशन की दुनिया में इतनी ज्यादा भाग दौड़ है कि आपको इस समय पे अपने मल्टी गोल्स बनाने पड़ते हैं, यानी ये नहीं तो ये सही, आपको ये रखना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं अपने फेज टू पे अच्छे से फोकस करो। और रही बात रिजल्ट की, तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि 30 नवंबर को ही आपका रिजल्ट आ जाए। शॉर्टली लिखा हुआ है, शॉर्टली का मतलब एक महीना हो सकता है, 15 दिन हो सकते हैं, आज हो सकता है, घंटा भर हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो आप सभी बच्चे पेशेंस रखें और धैर्य के साथ में अपनी तैयारी करते रहें इंडियन एयरफोर्स के फेज टू के लिए, या फिर जिन बच्चों का नहीं हुआ है इंडियन एयरफोर्स का फेज वन भी, वो बच्चे अपनी और किसी एग्जाम में लग जाएं, क्योंकि अब इस समय पे आपकी एसएससी जीडी में भी आई है, है ना, एसएससी जीडी में आई है, दुनिया भर की वैकेंसी इस समय आईबी में आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई है, 12वीं पास से भी बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ना हाइट का चक्कर है ना फिजिकल का ज्यादा चक्कर है। तो आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयारी में एंगेज करके रखें, बाकी आप सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।